मिंकू, आज हमें पार्टी से लौटने में काफी लेट हो गया और काफी रात भी हो गई है। हाँ पिंकू, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये दंगल में बहुत थाले दंगली दानवल भी हो सकते हैं। अगर वो हम पर हमला कर दिया तो? तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो मिंकू, हमें जल्द से जल्द घर जाना होगा। अरे मिंकू, वो देखो, इतने सुनसान जंगल में ये हवेली, हमने पहले तो इसे कभी नहीं देखी। टिंकू, तुमने कुछ सुना? इस हवेली के अंदर से किसी के चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं। चलो जल्दी भागो यहाँ से। अरे मिंकू रुको, कहीं कोई मुसीबत में तो नहीं? हमें उसकी मदद करनी चाहिए, नहीं तो भगवान जी के पास जाकर क्या मुंह दिखाओगे। अब चलो चलते हैं। तुम्हें अगर भूत का काना बनना है तो बनो, मैं तो अंदर बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। ठीक है, तुम अंदर मत जाना, मैं जाकर देखता हूँ कि आखिर बात क्या है। और हाँ, अगर मैं 1 घंटे के अंदर वापस ना आऊँ तो समझ लेना कि मैं कोई बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ, तो तुम जल्द से जल्द जाकर बाबा को ले आना। दो घंटे से ज्यादा हो गया पर टिंकू अभी तक वापस नहीं आया। दलूल वो कोई बड़ी मुसीबत में फंस गया है, मुझे ये बात जाकर बाबा को बताना होगा। आपको क्या लगता है दोस्तों, आखिर कौन है ये कमला? क्या बाबा इस कमला से सिंकू को जिंदा बचा पाएंगे, या कमला सिंकू और बाबा दोनों को मार डालेगी? ये सब हम लोग देखेंगे सिंकू मिंकू और कमला पार्ट 2 में। पार्ट 2 देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।